Welcome to the channel. In this video, I'm going to cover all important current affairs of 30 July. For PDF of this video, link is in the description. For PDF, आप हमें Telegram पे join कर सकते हो. सारे PDF आपको Telegram पे एक साथ मिल जाएंगे join करने के लिए. Simply you have to search our channel name Next Exam IQ. Next Exam IQ Telegram group India का best Telegram group for your revision. Daily आपका test conduct करवाया जाता है. Based on static GK and current affair काफी ज़्यादा beneficial रहेगा. सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा. आज पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लीजिएगा. मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर का वीडियो अपलोड हो जाता है. नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट हु हैज बिकम द मेंबर ऑफ एंटोनियो गुटेरेस न्यू यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज. तो 6 मेंबर यूथ एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया बिटवीन द एज ग्रुप 18 to 28. सो हमारे इंडियन एक्टिविस्ट हैं जिनको नामित किया गया. यू हैव टू आंसर इनका नाम क्या है. करेक्ट आंसर इज अर्चना सोरेंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, ये इनकी पिक्चर एंड ये एडवाइजरी कमेटी जो बनाएगी न्यू यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस. इनका नाम आपने याद रखना है एंड अर्चना सोरेंग का नाम भी आपने जरूर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, बाकी फ्रिया ठेकरा द डायना अवार्ड 2020 फॉर रिसाइकलर ऐप वो आपने याद रखना है. जादव पिंग इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है, ही इज़ फ्रॉम आसम, ये आपने याद रखना है. मलाला यूसुफाई ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान एंड रिसेंटली हमने 12 जुलाई को मलाला डे ऑब्जर्व किया है, वो आपने याद रखना है. सो अर्चना सोरेंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सेकेंड वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री चेंज देयर नेम टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि इस मिनिस्ट्री का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, यूनियन कैबिनेट द्वारा इसको अप्रूवल मिल गया. सो द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, MHRD मिनिस्ट्री का अब न्यू नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ओके, वेल मिनिस्ट्री का नाम चेंज हुआ, मिनिस्टर चेंज नहीं हुए. मिनिस्टर हमारे रमेश पोखरियाल निशंक ही हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हरिद्वार उत्तराखंड है. ओके एंड गाइस, इसके साथ साथ एक चीज़ आपने और जरूर याद रखनी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उससे भी अप्रूवल दे दिया गया, विच इज़ गोइंग टू रिप्लेस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द ईयर 1986. 34-year-old एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस करेगा, विच विल इंक्लूड मोर लाइक प्रोविजंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन आवर कंट्री. ओके, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. नाउ इन दिस क्वेश्चन आपने याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब मिनिस्ट्री का नाम बदल चुका है. कौन सी मिनिस्ट्री का नाम बदला, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये आपने याद रखना है. ओके, सो नेक्स्ट करते हैं. रिसेंटली इंडियन रेलवे हैंडेड ओवर स्पेसिफिकली मॉडिफाइड 10 रेलवे ब्रॉडगाज लोकोमोटिव टू विच कंट्री. सो कौन सी कंट्री को 10 रेलवे ब्रॉडगाज लोकोमोटिव हैंड ओवर किए, वर्चुअली ही इसे किया गया. सो करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश को हमारे इंडिया ने किया. ओके एंड इसके साथ साथ बांग्लादेश के रेलवे मिनिस्टर का नाम याद रख लीजिएगा, इंडिया के तो आप जानते हो पीयूष गोयल, बांग्लादेश के नूरुल इस्लाम सुजान एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हमारे एस जयशंकर हैं एंड अब्दुल कलाम अब्दुल मोमिन जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं. ओके एंड लोकोमोटिव से चित्रंजन लोकोमोटिव आपको ज़रूर याद आना चाहिए, आसनसोल वेस्ट बंगाल में 2019-20 में एक रिकॉर्ड बनाया गया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मेकिंग 402 लोकोमोटिव इंजन्स. ओके, तो वो पॉइंट आपने याद रखना है. सो बांग्लादेश इज़ द करेक्ट आंसर. बांग्लादेश के बारे में बेसिक डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, प्रेसिडेंट इज़ अब्दुल हामिद, कैपिटल इज़ ढाका, करेंसी इज़ टाका. नेक्स्ट करते हैं, क्रिकेटर काजी अनीक इस्लाम गेट्स 2 ईयर बैन, लाइक दिस इज़ बैन फॉर डोपिंग वायोलेशन के लिए 2 साल का इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया. नाउ आपको ये बताने की कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं, वेल अगर आप क्रिकेट देखते हो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्म. सो करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश. ओके, सो बांग्लादेश के लिए खेलते थे, इन पे 2 साल का प्रतिबंध लग गया. ओके, फास्ट बॉलर थे काजी अनीक इस्लाम. पी अच्युत राव इनका निधन हो गया ड्यू टू COVID-19 कोरोना वायरस की वजह से. इन दिस क्वेश्चन यू टू आंसर ही इज रिलेटेड टू विच फील्ड, तो कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे ये आपको बताना है. सो करेक्ट आंसर इज चाइल्ड एक्टिविस्ट थे जिनका निधन हो गया कोरोना वायरस की वजह से. ओके, फाउंडर ऑफ बिलाला हकुला संगम इन द ईयर 1984 इसकी एस्टैब्लिशमेंट इन्होंने की थी एंड चाइल्ड एक्टिविस्ट थे, इनका निधन हो गया. वज बैग प्रीमियर लीग गोल्डन बूट अवार्ड फॉर द ईयर 2019-20, तो किसने जीता, इन्होंने इस सेशन में 23 गोल्स किए. सो इन्होंने ये अवार्ड जीता, आपको बताना है इनका नाम क्या. करेक्ट आंसर इज जैमी वार्डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, जैमी इज द फर्स्ट लाइचेस्टर सिटी प्लेयर टू क्लेम दिस अवार्ड एंड इज द ओनली सेकेंड इंग्लिश मैन टू टेक क्राउन इन लास्ट 20 ईयर्स आफ्टर द हैरी केन.
आपने याद रखना है, एंड बाकी कुछ डिटेल्स हैं अबाउट दिस फुटबॉल क्लब यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई हैं। ओके, रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ग्रांट्स 4.3 बिलियन ग्रांट टू साउथ अफ्रीका, द लार्जेस्ट ग्रांट गिवन टू फाइट विद कोविड 19। अभी तक जितने भी ग्रांट्स IMF ने दिए, सबसे ज़्यादा ग्रांट दी गई साउथ अफ्रीका को 4.3 बिलियन। तो आपको ये बताना है कि मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के कौन है, ये आपने बताना है, MD ऑफ IMF। सो करेक्ट आंसर इज क्रिस लेना जॉर्जवे। ओके, साउथ अफ्रीका के प्रेजिडेंट कौन है जी, साइरिल रामाफोसा, एंड करेंसी इज साउथ अफ्रीकन रैंड, अपने याद रखें। ओके, IMF इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस लेना जॉर्जवे। डेविड मालपास हमारे वर्ल्ड बैंक के प्रेजिडेंट हैं। वोल्कन बॉज के 75 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेजिडेंट चुने गए, ये अपने याद रखना है। वज बिन कन्फर्ड विद लाइफ टाइम एक्सलेंस अवार्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ऑन द ओकेजन ऑफ 14th एनिवर्सरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। एक ऐप भी लॉन्च की गई थी मौसम, लाइक हमारे हेल्थ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। नाउ लाइफ टाइम एक्सलेंस अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया, करेक्ट आंसर इज अशोक सहानी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नॉट ओनली दिस नेम, आपने बाकी नाम भी आपने याद रखने, तो ये चार नाम और आपने याद रखने। नेशनल अवार्ड फॉर एटमॉस्फेरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर एस सुरेश बाबू को दिया गया। नेशनल अवार्ड फॉर जियो साइंस एंड टेक्नोलॉजी NV चलापति राव को दिया गया। नेशनल अवार्ड फॉर ओशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर MA आत्मानंद को दिया गया। यंग रिसर्च अवार्ड रिसर्चर अवार्ड डॉक्टर इंदिरा शेखर सेन को दिया गया। तो ये पांच नाम आपने याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। स्टुअर्ट ब्रॉड बिकम द 7th बॉलर टू टेक 500 टेस्ट विकेट्स, तो सातवें बॉलर बन चुके हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए श्रीलंका की, मुथैया मुरलीधरन के नाम है ये रिकॉर्ड 800 विकेट्स का इन टेस्ट क्रिकेट, एंड अनिल कुंबले भी इनके नाम है जी 619 विकेट्स का रिकॉर्ड, एंड इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड ये लाइक सातवें बॉलर बन चुके हैं जो ये मुकाम हासिल गए। UV ने इनको ही 6 छक्के लगाए थे, युवराज सिंह ने। ओके, इंडिया गेट्स 5 मल्टी रोल कम्बैक्ट जेट रफाल लैंडेड एट अम्बाला एयरफोर्स बेस। वेल, कल तो आपने आई थिंक कोई और न्यूज़ सुना ही नहीं होगा अगर आपने न्यूज़ चैनल लगाया होगा, तो फाइनली रफाल हमें मिल चुके हैं। 2016 में 59,000 करोड़ का ये लाइक एग्रीमेंट साइन हुआ था विद फ्रांस। सो पांच सेट हमें मिल चुके हैं, पांच रफाल मिल चुके हैं, 36 रफाल हमें टोटल मिलेंगे। तो पांच हमें मिल चुके हैं डेट जिन्होंने कल लैंड किया एट अम्बाला एयरफोर्स बेस। सो कल का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वेल, आपने तो ये सारी न्यूज़ कल दिन भर आपने न्यूज़ प्लेटफॉर्म में तो यही सुना होगा। एंड 5 अगस्त तक तो आपको दो टॉपिक रहने वाले हैं, एक राम मंदिर का एंड आप रफाल का भी चलेगा, न्यूज़ एंकर्स के लिए तो न्यूज़ है बट इम्पॉर्टेंट है, लाइक हमारे डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, हमारी इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी ज़्यादा पावर देगा। एंड नाम याद रखिएगा, नाम तो आपको याद ही है। ओके, उसके बाद इंडिया फर्स्ट सोलर फेरी आदित्य विन गुस्तेव थ्रोव अवार्ड फॉर द एक्सलेंस इन इलेक्ट्रिक बोर्ड एंड बोटमैन। गस्तेव थ्रोव ये अवार्ड लाइक एक फ्रेंच मैन के नाम से दिया जाता है फॉर द एक्सलेंस इन इलेक्ट्रिक बोट्स एंड बोटिंग। सो हमारी इंडिया की फर्स्ट सोलर फेरी आदित्य, तो इसको ये सम्मान दिया गया, ये याद रखना आपने। एंड दिस फेरी बिलोंग्स टू केरल स्टेट वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, फ्लाइंग इन ऑन वाइकोम थवन कवाडू रूट इन एलापुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल। ओके, तो ये आपने याद रखना है, केरल की है बेसिकली, केरल में ये लाइक चलती है एंड पेड है ये, आप इस पे बैठ सकते हो आदित्य पे, सोलर फेरी है। ओके, जिसे सम्मान किया गया। रोड्स इन उत्तर प्रदेश हैज बीन नेम्ड आफ्टर लालजी टंडन, तो लालजी टंडन का निधन हो गया, जो सड़कें हैं इनके नाम से रखी जाएंगी। ठीक है, चौक चौराहा विल नाउ बी कॉल्ड एज लालजी टंडन चौराहा एंड लखनऊ हरदोई रोड विल नाउ बी कॉल्ड एज टंडन मार्ग। सो दो रोड्स का नाम लालजी टंडन द्वारा इनके नाम पे रखा गया इन लखनऊ। ओके, ये आपने याद रखना है। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, हुज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर ए अनसर्टेन वर्ल्ड, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। एंड नाउ आफ्टर दिस ये पांच क्वेश्चन है आपके लिए। फर्स्ट वन इज चैंपियन पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया। सेकेंड वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू पर्सनल सेक्रेटरी टू द प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद, ये आपने बताना है। थर्ड वन इज रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च होप मिशन टू मार्स फ्रॉम जापान तंगिश्मा स्पेस सेंटर,
मनोदर्पण इनिशिएटिव हैज़ बिन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, एंड द फिफ्थ वन इज विनी महाजन हैज़ बिकम द न्यू वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विस्टेड एंड शी बिकम द फर्स्ट. ओके, ये आपने याद रखना है. तो ये पांच क्वेश्चंस आपने बताने. नाउ आज कुछ चेंजेस भी गई हैं एज़ पर द स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कि सर हमें प्रॉब्लम होती है नेक्स्ट पेज पे जाके आंसर देखने में. सो आज आंसर सेम इसमें ही आप देख सकते हो. चैम्पियन पोर्टल हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज द्वारा लॉन्च किया गया. पर्सनल सेक्रेटरी प्रीव्स प्रवीण सिद्धार्थ. होप मिशन टू मार्स यूए द्वारा लॉन्च किया गया. मनोदर्पण MHRD मिनिस्ट्री जिसका नाम अब बदल चुका है. एंड विनी महाजन पंजाब की न्यू वुमेन चीफ सेक्रेटरी यानी फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी. ओके, तो ये पांच क्वेश्चंस के आंसर आप क्रॉस चेक कर सकते हो. ओके, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड एक चीज़ मैं जरूर शेयर करूँगा गाइज, आपको थोड़ा सा अपने कम्फर्ट जोन से जरूर बाहर निकलना पड़ेगा. मैं तीन चार स्टूडेंट्स के कमेंट देखे थे, उन्हीं के कमेंट पढ़ के मैंने आज इस फॉर्मेट में लाया. वेल देखो गाइज, इट्स नॉट अ बिग इशू फॉर यू कि आपको यहाँ से आंसर्स वहाँ तक जाने, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद यूर सेल्फ. ओके, देखो चीज़ों को, ये तो बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ थी. आई एम सीरियसली सरप्राइज्ड कि स्टूडेंट्स को इसमें क्या दिक्कत आ रही थी कि आप यहाँ पे क्वेश्चंस में शेयर कर रहा था एंड यू हैव टू जस्ट लाइक मूव टू अदर स्लाइड फॉर द आंसर्स. तो आपको इसमें इतना तो कोई इशू नहीं था, बट मैंने स्टूडेंट्स सर कमेंटिंग सर उनको दिक्कत आ रही है. ओके गाइज, देखो आपको किसी भी एग्ज़ाम की, आई थिंक आप लोग अगर अभी बिल्कुल स्टार्ट हो एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, तो इसलिए आपको खुद को इतना कंफर्ट जोन में नहीं रखना कि आपको बाद में दिक्कत आए. इतना बड़ा इशू नहीं था, बट स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर हमें कोई प्रॉब्लम आती है इस तरीके से पढ़ने में. ओके, सो लाइक लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप एग्ज़ाम इस फील्ड में आ रहे हो, कम्पिटिटिव फील्ड में आ रहे हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें इससे आपको खुद को ओवरकम करना है एंड खुद को इतना कंफर्टेबल जोन में नहीं डालना. ओके, एंड ये चीज़ आप खुद कर सकते हो. एंड अगेन टेलीग्राम ग्रुप, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके बैठे हो एंड अगर आप अटैम्प्ट नहीं करते हो तो कोई भी आपको बेनिफिट नहीं होने वाला. ट्रस्ट में आपका ज्वाइन करना बिल्कुल बेकार है अगर आप आंसर्स अटैम्प्ट नहीं करते हो. मैं देखता हूँ कि वही आप इतने स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं. आई थिंक यू आर वेटिंग कि एग्ज़ाम कब आने वाला. इफ़ यू आर वेटिंग फॉर दैट थिंग, सीरियसली आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो. आपको डे बाय डे अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं कर सकते आप लगातार एक महीने में सब कुछ कर लोगे. ओके, दिस इज़ नॉट द राइट प्रोसेस टू क्रैक एनी एग्जाम. यू हैव टू डू डेली. ओके, अगर आप नहीं करते तो अभी बिल्कुल स्टार्ट कर लो, यू हैव द टाइम. अदरवाइज अगर आप यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, वो टाइम कभी नहीं आएगा. यू हैव टू स्टार्ट राइट नाउ. ओके, और मैं काफ़ी स्टूडेंट्स के देखता हूँ कि स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं बट दे आर नॉट अटेम्प्टिंग. एंड ये सारा हार्डवेयर आप लोगों के लिए ही है. सो लाइक कई बार हम वी हैव डिसाइडेड कि आई थिंक वी हैव टू स्टॉप बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग इन दैट वे दैट वी आर एक्सपेक्टिंग. सो यू हैव टू डू, एंड आप लोगों के लिए बेनिफिट के लिए यू हैव टू डू. एंड जो चीज़ें आपको करवाई जाती हैं, जो चीज़ें आपके साथ शेयर की जाती हैं, उनको अपने प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं. ओके, तभी करंट अफेयर हो पाए. एंड कुछ स्टूडेंट्स के मैं कमेंट ऐसे भी देखता हूँ कि सर क्वेश्चंस अलग रहते हैं, हम बाकी चैनल्स पे विजिट कर रहे हो. सीरियसली गाइस, मैं आपको एक फैक्ट बता दूँ, मैं भी आप इस पे बिलीव करें ना करें, मैं सारी चीज़ें असेस करता हूँ एज़ पर माई एक्सपीरियंस. में देर आर लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स जो प्रॉपर आपके साथ दे आर जस्ट गोइंग वे, दे डोंट केयर अबाउट द अदर थिंग्स, आपका रिविजन कैसे करवाना है. सो वही चीज़ अगर हमारे लिए भी रही तो हम भी आपको एक सीरियसली वन वे में जा सकते हो. वी डोंट नीड टू डू एनी लॉट ऑफ हॉर्ड वर्क लाइक वी आर डूइंग इन अवर टेलीग्राम ग्रुप. तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ही हैं, आपके बेनिफिशियल के लिए. ओके, वी आर नॉट आस्किंग फॉर यू एनी सिंगल मनी बिकॉज वी वॉन्ट कि आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े हो तो आपको हमारे रिजल्ट्स मिले, आपको हमारे चैनल से आपको रिजल्ट्स मिले एंड आपके एग्जाम प्रिपरेशन में, आपकी करंट अफेयर सेक्शन में हेल्प. ओके, सो प्लीज़ आप लोगों को सपोर्ट बनाए रखना. एंड ऐसा नहीं हो कि आप लोग वही चीज़ आना है जहाँ चीज़ें आपको फ्री में लॉट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, देन स्टूडेंट थिंक हमारा कोई अपना मेन है. हमें क्या रिक्वायरमेंट है इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की इन आवर टेलीग्राम ग्रुप. 30-40 क्वेश्चन डेली टाइप करके लिखने पड़ते हैं एंड दे विल टेक, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम्स. ओके, सो आप लोगों को इस चीज़ को करते रहना है, अटैम्प्ट करना है इफ यू आर ए सीरियस कैंडिडेट एंड प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम सीरियसली. ओके, सो यू हैव टू डू. सो बस आज का वीडियो में इतना ही. उम्मीद करूँगा अच्छा लगा वीडियो. अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करते रहिए. एंड जो ऑनेस्टली फॉलो कर रहा है एंड उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डोंट नीड टू वरी, जस्ट फॉलो द थिंग्स दैट जो हम आपके साथ यहाँ शेयर कर रहे हैं. एंड जेन्युइनली फॉलो कीजिए, नोट डाउन कीजिए, करंट अफेयर सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर.